नमस्कार, मैं अभिषेक कुमार और आप हैं बिहारी न्यूज के साथ। और आज हम आपको बताएंगे, इसके साथ ही दिखाएंगे कि बिहार के सातवें चरण से कौन बन सकते हैं सांसद। लोकसभा चुनाव 2019 के सातवें और अंतिम चरण के तहत बिहार के 8 संसदीय क्षेत्रों पटना साहिब, पाटलिपुत्र, बक्सर, नालंदा, आरा, सासाराम, काराकाट एवं जहानाबाद में मतदान होंगे। अब बिहार में सातवें चरण के लिए 8 सीटों पर मतदान होगा। इस चरण में काफी दिलचस्प मुकाबला है। इनमें 6 सीटों पर वैसे लोग मैदान में हैं जिनके बीच लगातार दोबारा लड़ाई हो रही है। वर्ष 2014 लोकसभा चुनाव में भी ये योद्धा आपस में टकरा चुके हैं। एक दूसरे की ताकत से दोनों अच्छी तरह परिचित हैं। 8 में से सिर्फ 2 सीटें ऐसी है जहां पर दोनों गठबंधन के उम्मीदवार पहली बार आपस में टकरा रहे हैं। इस बार यह देखना दिलचस्प होगा कि 2014 में जिनके खिलाफ चुनाव जो नेता जीते, उन्हें इस बार भी सामने वाले को शिकस्त देने में कामयाबी मिलेगी या नहीं। वहीं वर्ष 2014 में जो उम्मीदवार हार गए थे, वे इस बार अपनी हार का बदला ले पाएंगे या नहीं। सातवें चरण में नालंदा और पटना साहिब 2 ऐसी संसदीय सीटें हैं जहां पर एनडीए और महागठबंधन के उम्मीदवार पहली बार आपस में टकरा रहे हैं। पटना साहिब से कांग्रेस के शत्रुघ्न सिन्हा और भाजपा के रविशंकर प्रसाद आमने सामने हैं। वर्ष 2009 में और 14 में शत्रुघ्न सिन्हा भाजपा के टिकट से पटना साहिब में जीत चुके हैं। नालंदा में जदयू के कौशलेंद्र कुमार और हम के अशोक चंद्रवंशी की आपस में यह पहली लड़ाई है। पिछली बार कौशलेंद्र कुमार नालंदा के जदयू के टिकट पर ही चुनाव जीते थे। सबसे अधिक 4थी बार सासाराम में कांग्रेस की मीरा कुमार और भाजपा के छेदी पासवान एक दूसरे के सामने हैं। 2014 में छेदी पासवान ने मीरा कुमार को हराया था। पाटलिपुत्र में भी लगातार दूसरी बार भाजपा के राम कृपाल यादव और राजद की मीसा भारती के बीच मुकाबला है। बक्सर में भी भाजपा के अश्विनी चौबे और राजद के जगदानंद सिंह फिर आमने सामने हैं। आरा में भाजपा के आरके सिंह और माले के राजू यादव के बीच मुख्य टक्कर है। काराकाट में रालोसपा के उपेंद्र कुशवाहा और जदयू के महाबली सिंह के बीच लड़ाई है। जहानाबाद में पिछली बार रालोसपा के अरुण कुमार चुनाव जीते थे, वे इस बार अपनी पार्टी से खड़े हैं। राजद के सुरेंद्र यादव फिर मैदान में हैं, जबकि जदयू ने चंद्रेश्वर चंद्रवंशी को मैदान में उतारा है। लोकसभा चुनाव के अंतिम चरण में केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार के 4 मंत्री रविशंकर प्रसाद, अश्विनी चौबे, राम कृपाल यादव व आरके सिंह के भाग्य का फैसला होगा। इसलिए भी इसमें 4 मंत्री की प्रतिष्ठा दांव पर लगी हुई है। इसके साथ ही आप इस वीडियो में देख सकेंगे कि आम जनता का इस बार मूड क्या है, चाहे वो विकास के बारे में हो या किस पार्टी की लहर है। जनता से हम खुल कर बात किए, आम जनता से वो क्या चाहती है, इस बार किसकी सरकार आएगी, कौन सांसद जीतने वाले हैं और बाकी सब कुछ आप इस वीडियो में देखेंगे। तो आइए देखते हैं इस वीडियो। यहाँ सबसे ज्यादा अभी वोटिंग का ज्यादा जीतने का चांस है कमल छाप का। कमल छाप का मीसा भारती जी तो अच्छा है, वही मीसा भारती है। पाटलिपुत्रा से वो तो है राम कृपाल जी। नरेंद्र मोदी जी काम अच्छा किए हैं। पिछले बार जीते थे, इस बार भी टारगेट उनका उतना ही है। 2,65,000 से वोट से जीतने जा रहे हैं शत्रुघ्न सिन्हा। 2,65,000 वोट से जीतने जा रहे हैं बीजेपी को। बीजेपी हाँ, मेरा मन वही है, आप कहूँ नहीं है। रविशंकर प्रसाद जी 2-3 लाख वोट से जीतने जा रहे हैं। हाँ, मेरा भाई सपोर्टर है उसी का, लेकिन हम लोग कांग्रेस के वोट आज तक नहीं दिए हैं। सब दिन मेरा वोट बीजेपी का गया है और बीजेपी का जाएगा। गठबंधन की सरकार अभी मजबूत है और गठबंधन का ही हम लोग समर्थन कर रहे हैं। महागठबंधन नहीं, गठबंधन एनडीए गठबंधन एनडीए गठबंधन एनडीए गठबंधन